आज बीसीसीआई की चयन समिति ने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया। विराट कोहली को आराम देने के साथ टीम इंडिया में कई नए चेहरों को शामिल किया गया है। वाशिंगटन सुंदर, दीपक हुड्डा, बेसिल थम्पी और जयदेव उनादकट कुछ ऐसे नाम है जिनके लिए ये सीरीज टीम इंडिया में जगह पक्की करने का सुनहरा मौका है। गौरतलब है कि ये चारों खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग की देन है। इनमें से जयदेव उनादकट ही एक ऐसे खिलाड़ी है जो भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में डेब्यू कर चुके हैं। वहीं बाकी तीनों युवा खिलाड़ी इस सीरीज के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रख सकते हैं। श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम रोहित शर्मा कप्तान, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, दिनेश कार्तिक, एमएस धोनी विकेटकीपर, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, दीपक हुड्डा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, बेसिल थम्पी, जयदेव उनादकट। भारतीय टीम के इस चयन में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फैसला तमिलनाडु के 18 वर्षीय युवा स्पिन ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर बेड़ौदा के ऑलराउंडर दीपक हुड्डा और आईपीएल में गुजरात लायंस के लिए खेलने वाले बेसिल थम्पी का भारतीय टीम में पहली बार आना रहा है। इन तीनों के चयन की किसी को भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन भारतीय चयनकर्ताओं ने सभी का चौंकाते हुए इन तीनों ही खिलाड़ियों को पहली बार भारतीय टीम में मौका दिया है। गुजरात का रहने वाला ये युवा गेंदबाज आईपीएल 10 में राइजिंग पुणे सुपर जायंट की तरफ से खेला था। 10वें सीजन में बाएं हाथ के इस उनादकट ने शुरुआती ओवर भी डाले, लेकिन डेथ ओवरों में वह ज्यादा कारगर साबित हुए हैं। दाएं हाथ के पेसर बेसिल थम्पी के पास वो प्रतिभा है जो उन्हें टीम इंडिया में लंबे समय कर जगह दिला सकती है। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और क्रिकेट की हर खबर के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।